बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश के साथ। मेरा नाम है हरीश दोस्तों और मैं आया हूँ आज दिवाई आपको दिखाऊंगा दिवाई की मार्केट कैसी है। काफ़ी अच्छी और काफ़ी फेमस बनी हुई मार्केट है ये, तो दिखाता हूँ आपको दिवाई की मार्केट। दोस्तों यही दिवाई की मार्केट है और ये काफ़ी फेमस मार्केट है। यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से कपड़े वगैरह और अपने घर के ज़रूरतमंद सामान यहाँ से आप खरीद सकते हो। जो आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं यहाँ पर हर सौदा आपको घर से संबंधित मिल जाएंगी। और आपको ऐसी बहुत सारी दुकान देखने को मिल जाएंगी आपको, जो आपके घर के ज़रूरतमंद सामान जो है आपको ऐसे दिवाई में बहुत सारा मिल जाएगा। और आपको ऐसे काफ़ी बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जो कि साड़ी वगैरह और बच्चे के कपड़े और घरेलू सामान आपको बहुत सारे भी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। काफ़ी फेमस मार्केट है ये दिवाई की। और काफ़ी गांवों से जुड़ता है दिवाई, बहुत सारे गांव लगे हुए हैं इस दिवाई से। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर मार्केटिंग करने के लिए। और दोस्तों दिवाई की अगर बात करें तो हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ता है ये, और काफ़ी बड़ी मार्केट बनी हुई है यहाँ पर। और ये जो गली आप देख रहे हो, इस गली में ज़्यादातर लड़कियों और बच्चियों के लेडीज सामान ऐसे बहुत सारे कपड़े देखने को मिल जाएंगे। और ये काफ़ी बड़ी मार्केट बनी हुई है ये, इसे मीना बाज़ार बोलते हैं। दोस्तों और मैं आ गया हूँ सुदर्शन रेडीमेड कपड़े की दुकान पर, और ये आप देख रहे हो काफ़ी सुंदर कपड़े लगे हुए हैं ये, और काफ़ी फेमस दुकान है इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये सामने आप देख रहे होगे काफ़ी सुंदर कपड़े लगे हुए हैं। और आप ये सामने देख रहे हो, इनकी प्राइस की अगर हम बात करें तो आपको 250 से लेकर 500, 700, 800 जैसा आप कपड़ा लेना चाहो उस रेंज में आपको मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों और आपको देख रहा है आपको ऐसी बहुत सारी दुकान देखने को मिल जाएंगी, सामान घर के मतलब का ऐसे आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, इस तरीके से बनी हुई है और काफ़ी सुंदर दुकानें बनी हुई हैं। दोस्तों कॉस्मेटिक की दुकान है,
और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं राधा रानी गारमेंट्स। ये आप देख रहे हो काफी बड़ी दुकान है, ये आपको पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह अच्छा बढ़िया जो भी आपके जरूरतमंद सामान है यहाँ से मिल जाएगा। और ये लेडीज का भी सामान यहाँ से मिलता है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. और मैं पहुंच चुका हूँ मेन मार्केट में। ये जो रास्ता है, इस रास्ते में जो चल रहा हूँ, ये महादेव चौराहे वाला रास्ता है दोस्तों, जो कि हाईवे से जोड़ता है। और भी आपको दिखाता हूँ मैं। और दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सामान की दुकानें, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है, वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कन्हैया की दुकान पर, और ये काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है कन्हैया जी की। और ऐसा कोई भी सामान नहीं होगा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपको इस दुकान से नहीं मिलेगा। एलईडी से लेकर इन्वर्टर बैटरा कूलर पंखा काफ़ी सामान यहां से मिल जाता है, और थोक विक्रेता हैं ये। काफ़ी प्रसिद्ध दुकान है ये डिवाई की। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के संबंध सामान ठीक भी किया जाता है, पंखे कूलर और टीवी वगैरह कोई भी सामान हो आप यहाँ पर ठीक भी करा सकते हो। और मैं पहुँच चुका हूँ बाटावारी गली में। ये गली जो है बाटावारी नाम से मशहूर है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों और अब मैं पहुंच चुका हूं गुलशन किचन सेंटर दुकान पर, और ये आप देख रहे हो किचन से संबंधित सभी सामान आपको यहां पर मिल जाएगा। और इस तरीके से बनी हुई है ये दुकान, आपको सभी सामान मिल जाएगा किचन से संबंधित, गैस चूल्हे वगैरह फ्राई पैन और गिलास सेट, बहुत सारे सामान होते हैं किचन से। तो काफी बड़ी दुकान है ये।
दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये महादेव चौराहा है। बताई से आने वाला रास्ता है और ये जो देख रहे हो आप ये बुलंद से आने वाला रोड है। तो दोस्तों, आपको मैं डिवाई की मार्केट दिखाई कैसी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।